हेलो। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, जो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो आपका खत्म हो गया था। फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमने जो भी आपके स्पेसिफिकेशंस थे, जो भी आपकी लेयर्स थी, उसका क्वांटिटी कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है वो हमने देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिजिड पेमेंट। और रिजिड पेमेंट में कौन कौन सी लेयर होती हैं, उसके क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं और उसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है, वो आज हम लोग देखेंगे। तो रिजेक्ट पेमेंट में देखेंगे आपकी सेम लेयर होती है, लेकिन जो आपकी टॉप की टू लेयर होती है वो आपकी रिप्लेस हो जाती हैं और कुछ नहीं है इसमें। जो आपका रिजेक्ट पेमेंट होता है सीमेंट कंक्रीट का बना होता है, सीसी पेमेंट होता है। इसमें आप देखेंगे जो आपका फर्स्ट लेयर होता है वो सबग्रेड का होता है। जो आपका सेकेंड लेयर है वो आपका जीएसबी का है, ग्रेनुलर सब बेस, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पर नेक्स्ट आप देखेंगे तो जो आपका नेक्स्ट लेयर है वो आपका डीएलसी का है। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको पीक्यूसी दिया हुआ है। इस तरह से आपकी लेयर्स होती हैं रिजिड पेमेंट को। ये देखेंगे तो रिजिड पेमेंट में जो आपका फर्स्ट लेयर है वो सबग्रेड का होता है, सेकेंड लेयर आपका जीएसबी का होता है, ग्रेनुलर सब बेस, और जो आपका थर्ड लेयर होता है वो आपका डीएलसी का होता है, ड्राई लीन कंक्रीट, जो एक तरह से पीसीसी होता है। और इसके बाद जो आपका फाइनल लेयर होता है वो पीक्यूसी का होता है, पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट। इस तरह से लेयर होती हैं। तो जो स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट में लिखाए थे सबग्रेड के, वो सारे स्पेसिफिकेशंस आपके सेम होंगे यहाँ पे। वो सबग्रेड के हम द्वारा डिस्कस नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें आपकी सेम होंगी जो मैंने आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट में लिखाया था सबग्रेड के स्पेसिफिकेशन। इसी तरह से आपका सेम जीएसबी होगा, जो मैंने आपको फ्लेक्सिबल में लिखाया था, उसके स्पेसिफिकेशंस, उसके क्वालिटी पैरामीटर, सारी चीज़ें सेम होंगी। और यहाँ तक कि इनका जो कैलकुलेशन है वो भी सेम प्रोसेस होगा, जैसे कैलकुलेशन हमने सबग्रेड और जीएसबी का किया था अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में फ्लेक्सिबल पेमेंट में। तो सेम प्रोसेस से आपका यहाँ पे भी जीएसबी और सबग्रेड का कैलकुलेशन होगा। जो इसमें चेंज होता है वो केवल आपकी दो लेयर चेंज होती हैं। जो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो आपका WMM का लेयर होता है, वाटर मिक्स मैकेडम का, उसको हम लोग यहाँ पे DLC से रिप्लेस कर देते हैं। और इसके ऊपर जो आपकी एस्पाल्ट की लेयर आती है DVM और BC, उसको हम लोग यहाँ पे PQC से रिप्लेस कर देते हैं, वो चीज़ है। तो जो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट था उसमें जो WMM की लेयर आ रही थी और जो एस्पाल्ट की लेयर आ रही थी, उसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है किससे, DLC से और PQC से। तो ये दो नई लेयर आई हैं। तो इनका कैलकुलेशन किस तरह से होगा और इसके स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, हम उसको अभी डिटेल में देखेंगे किस तरह से चीज़ें होंगी वो है। तो सबसे पहले हम लोग DLC देखेंगे कि DLC में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखेंगे DLC में क्या क्या चीज़ें होती हैं। DLC का हम लोग क्या बोल रहे हैं, ड्राई लीन कंक्रीट। DLC क्या होता है, आपका ड्राई लीन कंक्रीट होता है, मतलब एक तरह से आपका लो वर्केबिलिटी का कंक्रीट होता है, एक तरह PCC की तरह होता है, लो ग्रेड का लो वर्केबिलिटी का कंक्रीट होता है, एकदम PCC की तरह। जैसे आपका बिल्डिंग में आपने देखा होगा जो PCC होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसी तरह से लो वर्केबिलिटी का ड्राई आपका कंक्रीट होता है, जिसकी वर्केबिलिटी थोड़ी लो रहती है। इसके अगर हम थिकनेस की बात करें तो थिकनेस कितना होगा इसमें, लेयर थिकनेस। आपका जो 100 mm थिकनेस है वो आपका होगा जो आपकी रूलर रोड्स होती हैं उनके लिए,
आपकी जो स्ट्रीट रोड हैं, जो आपकी रूरल रोड हैं, या फिर जो रिमोट एरियाज हम लोग रोड बनाते हैं उनके लिए आपका होगा। और इसके बाद यदि आप ये आपका MM है, ये भी आपका 150 mm है। ये आपका जो आपके नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, उसके लिए आपका ये हो जाएगा। जो आपका DLC का थिकनेस है 150 mm, जो आपकी रूरल रोड्स होती हैं या फिर जो आपका स्ट्रीट रोड है, आपकी जो ब्लेज एरिया में जो आप रोड बनाते हैं उनके लिए है। और 150 mm थिकनेस किसके लिए, जो आपके नेशनल हाईवे बनते हैं, सुपीरियर क्वालिटी की जो आपकी रोड बनती है, स्टेट हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, तो उसके लिए आपका 150 mm। इसमें और भी चीजें देखेंगे आप। और जो इसका लेयर है, इसमें कितना टॉलरेंस मिल रहा है आपको, वो भी देख लीजिए। टॉलरेंस आपको कितना अलाउंस है, ये आपका थिकनेस में टॉलरेंस है, ये आपका प्लस माइनस 10 mm है। ये क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए, जैसे आपका 100 mm का थिकनेस होना चाहिए, तो बाई चांस बाई मिस्टेक यदि आपका वो 110 का हो जाता है या फिर 90 mm का होता है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थिकनेस में प्लस माइनस 10 mm होगा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, इसमें जो आपका मैक्सिमम साइज का एग्रीगेट होगा, जो आपका मैक्सिमम साइज का एग्रीगेट होगा वो कितना होगा, 26.5 mm का होगा। जब मैं मैक्सिमम साइज की बात करता हूँ तो ये मैक्सिमम साइज है, अदरवाइज ये पूरा आपका एक ग्रेडेशन होता है सीव एनालिसिस के थ्रू। आपने कॉलेज टाइम में देखा होगा, प्रॉपर एक सीव एनालिसिस होता है जिसमें आपकी 75 माइक्रोन से लेकर 26.5 mm तक की सीव आती है, और उसके थ्रू इसका पूरा एनालिसिस करके इसकी ग्रेडिंग की जाती है। मिनिमम साइज आपका 75 माइक्रोन होगा, मैक्सिमम साइज आपका 26.5 होगा। इसका एक प्रॉपर मिक्सचर होता है जिससे क्या होता है, एग्रीगेट के बीच में वॉइड्स नहीं आते हैं। तो इसका प्रॉपर एक डिफरेंट टाइप की सीव का यूज करके सीव एनालिसिस होता है, उसके थ्रू इसका ग्रेडेशन किया जाता है जिसमें आपकी डिफरेंट टाइप की सीव्स आती हैं। 75 माइक्रोन का है, 150 माइक्रोन का सीव आता है, 300 माइक्रोन का सीव आता है, 600 माइक्रोन का सीव आता है, 2.36 mm का सीव है, 4.75 mm का सीव है, 9.5 mm का सीव आता है, उसके बाद 19 mm का, और उसके बाद 26.5 mm का सीव आता है। इसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है, उसके बाद इसका ग्रेडेशन किया जाता है, उसके बाद ये निकल गया था। आपने कॉलेज टाइम में किया होगा टेस्टिंग। इसको नेक्स्ट देखेंगे आप, इसमें जो मेन आपका जो मटेरियल होता है वो आपका एग्रीगेट होता है, जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो मेन स्ट्रेंथन आती है वो किससे आती है, आपके एग्रीगेट के थ्रू आती है। तो एग्रीगेट का क्वालिटी पैरामीटर्स होनी चाहिए, एग्रीगेट में आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो चीज़ है। और ये जो आपका एग्रीगेट है उसमें जो आपका वाटर अब्जॉर्प्शन है, वाटर अब्जॉर्प्शन है फॉर एग्रीगेट, तो आपका ये मैक्सिमम 3% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब आपका एग्रीगेट का वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट होगा तो उसमें मैक्सिमम 3% आना चाहिए, इससे ज्यादा आपका क्वालिटी में फेल हो जाएगा। कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स हैं तो वो आपको काम आएंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे,
इसके बाद आप इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें हमें डीएलसी के लिए ऑफसेट मिलता है, तो वो ऑफसेट आपका कितना होना चाहिए वो भी आप देख लीजिए। जो आपका पीक्यूसी है उसके फेस से आपका जो डीएलसी का ऑफसेट है वो आपको कितना लेना है। इसमें जो आपका ऑफसेट होगा 200 mm होगा, जो मैंने आपको वहां भी बताया था डीबीएम ओबीसी में। यदि आप मैनुअली कर रहे हैं तो आपको 200 mm रखना है। और इसके बाद अगर आप पेपर मशीन के थ्रू कास्टिंग कर रहे हैं तो आपका ये फिर 750 mm हो जाएगा, अगर आप पेपर मशीन का यूज कर रहे हैं। ये चीज है। अब ये ऑफसेट क्या होता है वो भी देख लीजिए। इस ऑफसेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आपका ये एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन है, ये दोनों साइड पीक्यूसी के लिए, पीक्यूसी से जो आपका डीएलसी के लिए जो एक्स्ट्रा जो प्रोजेक्शन है वो हमारा ऑफसेट होता है। ये ऑफसेट कितना होगा, 200 mm होगा यदि आप पीक्यूसी का मैनुअली कास्टिंग कर रहे हैं। यदि आप पीक्यूसी को यदि आप जो आपका पेपर मशीन आता है स्लिप फॉर्म पेपर आता है यदि आप उससे कास्ट कर रहे हैं तो आपका ये 750 mm एक्स्ट्रा होगा दोनों साइड। पीक्यूसी के फेस से आपका 200 mm मैनुअल के लिए, अगर आप मशीन से कर रहे हैं तो 750 होगा वो चीज। नेक्स्ट देखेंगे अब। और इसमें जो सीमेंट का जो कंटेंट रखना है वो कितना होना चाहिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट। सर हाँ बोले सर, ऑफसेट में सर पेवर मशीन से मतलब लेने करने पे सर ऑफसेट मतलब ज्यादा लेने का क्या रीजन होगा सर? पेवर मशीन का जो अरेंजमेंट होता है काफी बड़ा होता है, उसको प्रॉपर तरह से रन करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। उसके दोनों साइड जो लैग होते हैं ना, उस लैग को चलने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए, क्योंकि काफी बड़ा मशीन होता है, उसमें काफी अरेंजमेंट होता है। तो दोनों उसके जो उसके दोनों लैग है वो एक प्रॉपर सरफेस पे चलने चाहिए। अगर वो अनइवन अगर वो आपके अनइवन सरफेस पे मूव करते हैं तो जो आपका पेमेंट है वो भी अनइवन हो जाएगा। तो दोनों लेग को प्रॉपर मूव करने के लिए हमें एक प्लेन और फ्लैट सरफेस चाहिए होता है। तो एक लेग आपका इस साइड आता है और एक लेग इस साइड आता है, तो प्रॉपर तरह से वो मूव करता है, बड़ा मशीन होता है। मशीन के सेटअप के लिए आपको एटलीस्ट काम चाहिए। एक लेग आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ देखेंगे आप, एक लेग आपका इस साइड आएगा और एक लेग आपका इस साइड आएगा, तब वो प्रॉपर तरह से रन कर पाएगा। यदि इस लेग के लिए आपको प्रॉपर अगर बेस नहीं मिलेगा तो सेटलमेंट हो जाएगा वहाँ, तो फिर आपका अनइवननेस आ जाएगा पीक्यूसी में वो चीज़ में। तो मशीन के रन करने के लिए आपको प्रॉपर सेटअप चाहिए, प्रॉपर बेस चाहिए वो चीज़। अगर मैनुअली कास्ट कर रहे हैं तो फिर कोई इशू है ही नहीं। अभी क्लियर हुआ है? यस सर। काफी बड़ा मशीन आता है, मतलब स्लिप फॉर्म पेपर काफी बड़ा मशीन होता है, इसमें सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। आपका कंक्रीट पोरिंग से लेके आपका जो जॉइंट्स में जो आपके डबल बार टाई बार आते हैं उसको लेइंग से लेके जो आपकी टेक्सचरिंग होती है, जो आपकी फिनिशिंग होती है, और इसके बाद भी जो आपका पूरा क्यूरिंग का जो कंपाउंड किया जाता है वो पूरा एक साथ होता है, तो काफी बड़ा अरेंजमेंट होता है। जो आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट है डीएलसी वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 150 kg पर मीटर क्यूब होना चाहिए। इसमें जो आपको सीमेंट का कंटेंट रखना है एटलीस्ट 150 kg पर मीटर क्यूब होना चाहिए, ये भी प्रॉपर तरह से डिजाइन किया जाता है वो चीज। और इसके बाद अगर हम बात करें टेम्परेचर का, टेम्परेचर बहुत तो बड़ा इशू रहता है जब आप कास्टिंग करते हैं रिजिड पेमेंट का, तो टेम्परेचर एक अलग इशू है। तो टेम्परेचर आपको एटलीस्ट 30°C तक मेंटेन करके रखना है, इससे ऊपर नहीं हो पाएगा टेम्परेचर। जो आपका टेम्परेचर है
तो आपका लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। थर्टी डिग्री सेल्सियस से आपका टेम्परेचर कम होना चाहिए तभी आप डीएलसी को लिंक करा पाएंगे। अगर 30 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर उससे ज्यादा होता है तो आप डीएलसी को कास्ट नहीं कर सकते, उसमें सडन क्रैक्स आ सकते हैं। तो टेम्परेचर बहुत बड़ा इशू है तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा आपको। आप 30 डिग्री सेल्सियस या उसके बाद फिर आप काम नहीं कर सकते, आपको काम बंद ही करना पड़ेगा। तो मोस्टली जो कास्टिंग होती है वो रात में ही होती है। ये सारे स्पेसिफिकेशन हैं, इसमें भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये सारे स्पेसिफिकेशन आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे का जो लेटेस्ट रिवीजन है 5th उसके अकॉर्डिंग। बाकी इसके अलावा फिर आपकी डिजाइन की जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी रोड बनता है जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं तो पहले एक ट्रायल बेड बनता है एटलीस्ट 100 मीटर का, उस पर सारी टेस्टिंग होती है, उसके बाद ही फिर आपकी डिजाइनिंग होती है। हंड्रेड मीटर का पूरा एक बेड बनता है, सब फुल टेस्टिंग होती है, उससे क्वालिटी पैरामीटर्स निकल के आते हैं, तो उसके बाद आपका जो पूरा पेमेंट है उसको थ्रो आउट किया जाता है। और इसके बाद जो आपको रोलिंग करनी है तो रोलिंग के लिए सारी चीज़ें सेम रहने वाली है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि रोलिंग किस तरह से होती है। इसके बाद आप रोलर यूज़ करिए, रोलर का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर से कम रखिए। इसमें अलग अलग टाइप की रोलर यूज़ होता है, इसमें जब आप रोलिंग करने जाएंगे तो आपको करीबन 4 से 5 पास मारने हैं ईच स्ट्रिप पे, और जो आपका पहला रोलर होगा आप पहले प्लेन रोलर को एक मूव करा सकते हैं, उसके बाद आप वाइब्रेटरी रोलर चला सकते हैं, उसके बाद फिर आपको फिर से एक प्लेन पास मारना है। वो चीज़ है इसमें भी आपको 5 पास मारने हैं। पहला आप एक प्लेन मारिए, जो आपका स्मूथ व्हील रोलर आता है उससे एक प्लेन पास मारिए, उसके बाद आप 2 या 3 वाइब्रेटरी रोलर से पास मारिए, उसके बाद आप फिर से एक प्लेन रोलर से पास मारिए। वो चीज़ है, तो एटलीस्ट आपको 5 टाइम रोलिंग करनी है। वो चीज़ है वो मैं आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, इसका नेक्स्ट देखेंगे आप। तो ये आपका स्पेसिफिकेशन हो गया डीएलसी को लेकर, और डीएलसी का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकलेगा वो भी देख लीजिए। डीएलसी का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, ब्रिथ चाहिए और इनटू डेप्थ चाहिए। तो आप यहाँ का वॉल्यूम निकल के आएगा क्यूबिक मीटर में। तो लेंथ आपका रोड में दिया होगा, जो भी है लेंथ आपको रोड में दिया रहेगा तो उसमें नहीं जाना है आपको, ये लेंथ आपको रोड में मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको पीक्यूसी का थिकनेस दिया होगा, या तो 100 mm होगा या फिर 150 mm होगा। हेलो, अभी आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो धनराज बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रहा है, कुछ नेटवर्क इश्यू होगा आपका। तो ये आपका लेंथ ऑफ रोड दिया हुआ है एल, वो आपको ड्राइंग में मेंशन होगा, और थिकनेस आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप इसमें से 100 mm या 150 mm ले सकते हैं ड्राइंग के अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये आपका यहाँ से आपको थिकनेस मिल जाएगा, मींस आपका डेप्थ मिल जाएगा, और ये आपको ब्रिथ दिया हुआ है। ड्राइंग में आपको पीक्यूसी का ब्रिथ मिलेगा, ये आपको जब भी कोई ड्राइंग देखेंगे तो इस तरह से आपको ये पीक्यूसी का ब्रिथ मिलेगा। अब आप इसमें ऑफसेट को ऐड करिए और अपना ब्रिथ निकाल लेते हैं, ये आपको भी मिलेगा। तो लेंथ आपको निकल आएगा, लेकिन इसमें जो आपको बी रखना है वो देखिएगा, लेंथ तो आपका वही रहेगा जो दिया हुआ है रोड में। और उसके बाद जो आपको ब्रिथ लेना है, तो जो ब्रिथ लेना है जो आपको ड्राइंग में जो ब्रिथ दिया हुआ है, जो पीक्यूसी का ब्रिथ दिया है, और उसमें दोनों साइड आपको ऑफसेट ऐड करना पड़ेगा। दोनों साइड आप ऑफसेट ऐड करिए, और उसके बाद प्लस आपका जो बी दिया है वो ऐड करिए, प्लस आप जो आपको ऑफसेट दिया वो फिर से ऐड करिए इस तरह से। और डेप्थ आपको दिया हुआ 100 mm, आप उसका मल्टीप्लाई करिए इस तरह से।
तो आप निकाल सकते हैं। और ये सारी चीजें आपको मीटर में ही पुट करनी है और ध्यान रखना, ये भी मीटर में पुट करना है और इसको भी कैलकुलेट करके मीटर में पुट करना है। तो कॉन्क्रीट है तो आप उसका एटलीस्ट तो निकाल ही सकते ना, लेंथ ब्रेथ इनटू डेप्थ करके। हेलो आदेश, आपको वॉइस आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है सर। हाँ, ये धनराज बोल रहे हैं कि इनको आवाज नहीं आ रहा है। सर हो सकता है नेटवर्क इश्यू होगा कुछ उसके। हाँ, धनराज आप अपना नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए। सर रीजॉइन करने के लिए बोल दीजिए एक बार, तब हो जाता है। क्या? हाँ सर, इसमें भी कर रीजॉइन करने के लिए बोल दीजिए सर। सही बोल रहे हो, हाँ, उन्होंने अभी कभी कभी रीजॉइन प्रॉब्लम हो नहीं जाता किया। है। इस तरह से मतलब ये पी जो आपका डीएलसी है वो आपको क्या, एक तरह से रेक्टेंगल है, तो लेंथ ब्रेथ इनटू डेप्थ करके आप उसका क्वांटिटी निकाल सकते हैं और उस क्वांटिटी से आप सीमेंट सैंड एग्रीगेट निकाल सकते हैं। आपने ऑलरेडी क्वांटिटी सर्विंग में पढ़ा होगा, तो हम इसकी कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है ना? रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रेथ इनटू डेप्थ करेंगे, लेंथ आपका ड्रॉइंग में मिल जाएगा, ब्रेथ आपको इस तरह से निकालना है, दोनों साइड ऑफसाइड ऐड करिए। ऑफसाइड कितना होगा, या तो आपका ये 200 mm होगा या फिर आपका ये 750 होगा, डिपेंड करता है कि किस टाइप से आप रोड बना रहे हैं। और आपको डेप्थ मिल जाएगा जो भी ड्रॉइंग में दिया होगा, 150 mm होगा या फिर आपका 100 mm होगा वो चीज़। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लेंथ ब्रेथ और डेप्थ आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसका लेंथ ब्रेथ डेप्थ करके आपको वॉल्यूम निकल आएगा। उस वॉल्यूम से आप जो आपको क्वांटिटी सर्विंग में जो आपने फॉर्मूला पढ़े हुए हैं वहाँ से आप सीमेंट सैंड और एग्रीगेट निकाल सकते हैं, सेम प्रोसेस से वो चीज़। इसमें आपका M15 या फिर M20 ग्रेड का जो कंक्रीट है वो यूज़ किया जाता है कुछ। तो ये आपका इस तरह से ये जो आपका DLC है वो ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे PQC। PQC की बात करें तो ये क्या होता है, आपका पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट होता है। आपका पेमेंट क्वालिटी कॉन्क्रीट है, इसमें आप देखेंगे किस तरह से आपका थिकनेस होता है। जिसमें जो आपका लेयर थिकनेस होगा वो कितना होगा, 150 से लेके 300 mm होगा एज पर डिजाइन। होगा आपका एज पर डिजाइन। और नेक्स्ट आप देखेंगे, और जो इसमें आपका मैक्सिमम साइज होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट वो आपका 31.5 mm होगा, मींस आपका 75 माइक्रोन से लेके 31.5 mm तक सभी साइज का एग्रीगेट होगा वो चीज। और जो आपको इसमें टॉलरेंस मिलेगा वो कितना होगा, लेबल टॉलरेंस, हीट टॉलरेंस, लेबल टॉलरेंस जो आपका होता है जो आपका लेबल टॉलरेंस है वो कितना होगा, लेवल टॉलरेंस इसमें आपका प्लस माइनस 6 mm होगा। यदि आपका थिकनेस 6 mm कम ज्यादा होता है चलेगा, कोई बड़ा इशू नहीं। इस पर नेक्स्ट देखेंगे आप, इसमें जो आपका वाटर अब्जॉर्प्शन होना चाहिए तो वो कितना होना चाहिए,
वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर एग्रीगेट, क्योंकि जो मेन स्ट्रेंथ आती है वो आपकी एग्रीगेट के थ्रू ही आती है. अगर वो थोड़ा सा खराब है, क्वालिटी इशू है उसमें, तो फिर आपका स्ट्रेंथ कम आएगा. तो इसमें मैक्सिमम 2% होना चाहिए. और देखेंगे आप इसमें. और जो आपका इसमें सीमेंट का कंटेंट होगा वो कितना होगा, इसमें आपको सीमेंट का कंटेंट रखना है वो आपका 360 kg पर मीटर की होना चाहिए एटलीस्ट. आपको 360 kg पर मीटर की होना चाहिए. ये मतलब पूरा डिजाइन होता है. मतलब इसमें हम लो ग्रेड का कंक्रीट यूज नहीं करते हैं. आपका डिजाइन मिक्स आता है M30, M35, M40. इसमें आपका डिजाइन मिक्स यूज किया जाता है. तो उसमें जो सीमेंट कंटेंट है कम से कम आपका 1 मीटर क्यूब में 360 kg होना चाहिए वो चीज. और कुछ नहीं. और इसमें अगर वर्केबिलिटी के लिए आप अगर देखना चाहते हैं कि इसमें कितना वर्केबिलिटी होगा, तो इसके लिए स्लंप आता है, स्लंप वैल्यू आता है अगर आपने कॉलेज टाइम में किया होगा तो. क्योंकि वर्केबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस कंक्रीट को लिंक कराने के लिए. तो आपका ये 15 से 25 mm तक होगा, चलेगा. इतनी वर्केबिलिटी में आप इजिली पेमेंट को पास कर सकते हैं. आपका स्लम कौन टेस्ट होता है तो उससे हम लोग वर्केबिलिटी निकाल चुके, उसी का एनालिसिस. ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं. तो ये आपके पीक्यूसी के पैरामीटर हैं. और इसमें एक चीज और होती है आपके, वो और देखेंगे आप. इसमें जॉइंट्स आते हैं, तो जॉइंट्स को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले आप एक चीज और देख लीजिए. जो आपका डीएलसी का लेयर होता है और जो आपका पीक्यूसी का लेयर होता है, दोनों के लेयर के बीच में एक आपका क्या होता है, पीबीसी का सीट आता है, सेपरेशन मेम्ब्रेन्स बोलते हैं उसको. हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, सेपरेशन मेम्ब्रेन्स. ये कहाँ आता है, जो आपका डीएलसी और जो आपका पीक्यूसी का लेयर होता है, बिटवीन डीएलसी एंड पीक्यूसी लेयर. इसको आप नोट करते रहिए. जो आपका डीएलसी का लेयर होता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक सेपरेशन मेम्ब्रेन्स डालते हैं, एक पीवीसी का सीट डालते हैं, पॉलीवाइनल क्लोराइड का एक सीट आता है पीवीसी का, वो डालते हैं डीएलसी और पीक्यूसी के बीच में. आपने अगर कभी थोड़ा बहुत काम किया, देखने ब्लैक कलर का पॉलीथिन होता है वो आपका डाला जाता है. और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये आप देखेंगे. ये आपका 125 माइक्रोन का एक पॉलीथिन सीट होता है. ये आपका डीएलसी की लेयर जैसी आप कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेपरेशन मेम्ब्रेन्स डालते हैं, पीवीसी का सीट आता है पॉलीवाइनल क्लोराइड का 125 माइक्रोन का, देखो ब्लैक कलर का, वो सीट डाला जाता है दोनों लेयर को सेपरेट करने के लिए. अब वो सीट क्यों डाला जाता है उसका भी आप रीजन समझिए. क्योंकि हमारा जो डीएलसी होता है, दो रीजन है. एक जो आपका डीएलसी होता है वो क्या होता है, ड्राई लीन कॉन्क्रीट होता है, सो वाटर कंटेंट कम रखा जाता है. इसके बाद जो हम पीक्यूसी डालने वाले हैं वो आपका गुड क्वालिटी का कॉन्क्रीट होता है, सो वाटर का कंटेंट होता है वो सफिशियंट होता है. तो जैसे अगर हम पीक्यूसी अगर हम डायरेक्टली डीएलसी के ऊपर डाल देते हैं, तो जो आपका डीएलसी है वो पीक्यूसी का वाटर कंटेंट को अब्सॉर्ब कर लेगा,
और जैसे ही ऑब्जर्व करेगा तो क्या होगा, जो आपका PQCS में क्रैक आ सकते हैं उसका वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, उसकी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी, तो वो इश्यू है। दूसरा क्या है, इन दोनों लेयर्स को हम सेपरेट कर रहे हैं। यदि आप लेयर को सेपरेट नहीं करेंगे तो इसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है। दो लेयर होती है, यदि आप दो लेयर को आपस में रब करेंगे तो उसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो इसमें जो आपका फ्रिक्शन है वो कम किया जा सके, उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें सेपरेशन मेम्ब्रेन्स डालते हैं। आपका एक PQC का अलग लेयर होगा, इसके ऊपर आपका एक, इसके नीचे आपका DLC का लेयर होता है, और इसके ऊपर से आपके व्हीकल मूव करते हैं। तो होता क्या है, इन दोनों लेयर के बीच में आपका फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो ये आपका फ्रिक्शन कम से कम डेवलप हो, जिसकी वजह से आपकी फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगे। यदि आपकी फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगी तो इसकी वजह से थोड़ा क्रैक आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। वो चीज़ है, आपने कॉलेज टाइम में अच्छे से पढ़ा होगा कि टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होता है और फ्रिक्शनल स्ट्रेस क्या होता है। वो चीज़ है, थोड़ा फ्रिक्शन कम हो जाता है, आपका जो सेपरेशन मेम्ब्रेन डाला जाता है पॉलीवाइनल क्लोराइड का जो सीड डाला जाता है, उससे आपका क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है दो लेयर के बीच में, तो इससे क्रैक्स आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और कुछ नहीं, तो एक PVC का सीट डाला जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आपका जो मीटिंग है वो 2 मिनट में एंड हो जाएगा, तो सारी चीज आप करेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद जो आपका रिजिड पेमेंट है उसमें जॉइंट्स आते हैं। जॉइंट्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं। इसमें आपके डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स आते हैं। जॉइंट्स की हम बात करें, बेसिकली आपके 3 टाइप के जॉइंट होते हैं। एक आपका ट्रांसवर्स जॉइंट आता है, एक आपका लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट आता है। तो वो चीज़ है, बेसिकली 2 टाइप के ही होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। और ट्रांसवर्स जॉइंट में भी अलग अलग टाइप के जॉइंट आते हैं। आपका एक्सपेंशन जॉइंट है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट है। तो अलग अलग टाइप के जॉइंट्स आते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, अभी ये कम्प्लीट नहीं हो पाएगा। वो चीज़ है, तो जो आपका जॉइंट है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं और जॉइंट्स में आपका क्या क्या असेंबली रहती है, क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस में डबल बार आएगा, किस में टाई बार आएगा। अगर एक्सपेंशन जॉइंट है तो उसके क्या स्पेसिफिकेशन है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट है तो उसके क्या स्पेसिफिकेशन है, डबल बार और टाई बार के क्या स्पेसिफिकेशन है। तो ये जॉइंट वाला एक हम अलग से टॉपिक रखेंगे, इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हमारा ये रोड है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।